चलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लास्ट जो एग्जांपल मैंने दिया था तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है पहले, जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है। कोई ऑनलाइन अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में किसी को आ रही प्रॉब्लम तो बताएं। मैंने कहा था सभी को ये टास्क एग्जीक्यूट करना है, सभी को बनाना है, इसको पूरा करना है। दीपक कुमार सानी कुछ कह रहे हैं? हाँ दीपक बताओ। पॉइंट्स वाले में प्रॉब्लम आ रही है, जैसा बता रहे हैं कि पॉइंट्स वाले में प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉइंट्स वाले में क्या कर सकते हैं देखते हैं जरा। हमारा ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, पॉइंट्स वाले में कई सारे कंडीशंस लगाने पड़ सकते हैं, फिर भी देखते हैं, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कैलकुलेटर था, हमने कहा 7.2। अब देखो इसमें मैंने डायरेक्शन दिया था ना, तो ये पॉइंट्स बाद में दिख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इसको जो हमने DIR लगाया ये बेटर काम नहीं करता है। इसमें क्या कर सकते हैं, एक स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट शायद आप लोगों को पता हो, CSS यूज करते वक्त करेंगे। और हमने कहा टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया मैंने, राइट। अगर ये ऐसा करते तो शायद ये बेटर वर्क करता हुआ दिखाई देगा। चेक करते हैं जरा, 7.2, परफेक्ट, अभी सही दिख रहा है ये। हम लोग ऐसा यूज कर तो बेटर है 7.2। लेकिन प्रॉब्लम क्या, 7.2 है और इसमें डॉट लगाते हैं तो एक और डॉट, क्या ऐसा अलाउड है? तो डॉट के साथ काफी दिक्कत है, तो हमें डॉट को सही से कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि जब हम डॉट प्रेस कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा क्या, हमें ये देखना होगा कि पहले से डॉट है क्या उसके अंदर। अगर पहले से है तो हम डॉट ऐड नहीं करेंगे, और पहले से नहीं है तो डॉट ऐड कर लेंगे। यानी कि मुझे क्या पता लगाना है, स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी डॉट है या नहीं, यही पता लगाना है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, पहले तो डॉट के क्लिक पे हमें कोड करना पड़ेगा। तो डॉट के क्लिक पे कुछ वर्क करने के लिए प्रोसेस क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? डॉट के क्लिक पे, डॉट बटन के क्लिक पे मुझे वर्क करना है तो स्टेप्स क्या होंगे, कौन बता सकते हैं? बताओ, डॉट के बटन के क्लिक पे कुछ करना है तो कैसे स्टार्ट करें, क्या लिखें? ऑन क्लिक का यूज क्या करें बताओ? सबसे पहले इवेंट फंक्शन बनाएंगे, या आप कहोगे सबसे पहले इवेंट हैंडलर बनाएंगे। प्रैक्टिस बना लो, क्या बनाएंगे? इवेंट हैंडलर, किसके लिए? डॉट बटन के लिए बनाते हैं। यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले इवेंट हैंडलर बनाएंगे। तो देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, सुनाई दे रहा है? यस। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं डॉट बटन के क्लिक पे आपकी तरफ से देखो, मैंने कंडीशंस, जैसे ही हमने इफ एल्स पढ़ा, इफ एल्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जहां भी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स, इस प्रोग्राम में मुझे लगता नहीं कहीं लूप की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे ही लूप की जरूरत पड़ेगी हम लूप भी स्टार्ट करा देंगे आपको। लेकिन पहले हम देखते हैं जरा, हमने कहा हैंडलर बनाना है तो क्या करूं, यहाँ इतने सारे हैंडलर बने हुए हैं, एक और हैंडलर बनाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम, और हमने कहा फंक्शन क्या लिखूं, फंक्शन POI._click, और आर्गुमेंट क्या दे दिया, ई दे दिया, और हमने इसे बंद कर दी। ठीक है, और मैंने कहा था क्या करो आप, कनेक्ट, सॉरी, अलर्ट दे दिया हमने, और हमने कहा ओके, ऐसा लिख दिया। हर बार आपको प्रैक्टिस में चेक करना है, ऐसे जरूर चेक करना, अदरवाइज आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई एरर आती रहेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले काम करने से पहले ये जरूर चेक करना है। अब इसको क्या करूं मैं, कहां लिखूं, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? आप बताओ जरा कहां लिखूं मैं इसको, डॉट बटन पे लिखूं, डॉट बटन कहां है ये डॉट बटन पे, क्या करूं, इसको हटा दूं? हाँ, अब देखो डॉट बटन पे क्या है, डॉट बटन पे डॉट भी लिखना है और हमें कुछ कैलकुलेटेड। डॉट बटन पे अभी तक क्या चल रहा है, बटन अंडरस्कोर क्लिक चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा मैनेज करके काम करना पड़ेगा। देखो डॉट बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ, और इसमें क्या पास किया मैंने, दिस पास किया, क्या होगा,
हाँ, अब मैंने ये हटा दिया। अब देखो होगा क्या, ये हटा दिया तो पहली बात तो कनेक्टेड है नहीं है, लेकिन वहाँ डॉट आएगा नहीं। ठीक है, उसको भी लाएंगे हम, देखते हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे समस्या आती है उसको सोल्यूशन देंगे। हमने कहा सेवन, अभी डॉट देंगे तो मैसेज तो आया, लेकिन वो डॉट नहीं आया क्योंकि डॉट वाला कोड हटा दिया हमने। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ध्यान समझो जाना, मैं क्या करूंगा, इसको हटा दिया और डॉट बटन पे मुझे क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक डॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इनटू स्ट्रिंग और नॉट। हाँ बताओ कौन सा पहला वाला, वो भी कॉल करेंगे, वो लिखना तो पड़ेगा हमें, लेकिन हमें वो डॉट कब लगाना है, जब उसके अंदर ऑलरेडी डॉट नहीं है, एक ही डॉट हमें लगाना है। हमें ध्यान रखना हमें कितने डॉट लगाने, एक ही डॉट। तो हमें स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है कैसे डॉट लगाना है। अब कुछ बातें ध्यान समझो, यहाँ पर जाने से पहले मैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस आपको थोड़ा फास्ट बता देता हूँ, दिमाग में चलते रहने चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास स्ट्रिंग, हमने कहा क्या, मैं बता रहा हूँ स्ट्रिंग अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिंग पढ़ेंगे फिर हम इस काम पे आएंगे। स्ट्रिंग पढ़ेंगे, हमने कहा वेयर एक्स इक्वल्स टू हेलो, ऐसा लिखा। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स, हमें एक्स का डेटा टाइप क्या मिल गया, स्ट्रिंग मिल गया। तो हमें हमेशा सोचना है क्या कि अगर किसी वेरिएबल एक्स का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है तो इससे हमें क्या फायदा है, और स्ट्रिंग का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्ट्रिंग के बेसिस पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्ट्रिंग के बेसिस पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता करनी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं भी आपको बताने वाले। पहली बात क्या, एक्स इक्वल्स टू हेलो लिखा है तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ लो आप, कि एक्स इक्वल्स टू जब हम हेलो लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैंने कहा कि एक्स एक्स एक वेरिएबल बनेगा और जो हेलो है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के स्टोर होगा। एच ई एल एल ओ, इसका बेस एड्रेस मान लो क्या है, 1000 है, तो यहां पर क्या जाएगा, ये इसको ऐसे रेफर करेगा, ऐसा मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, अब ध्यान देना, जो स्ट्रिंग होते हैं स्ट्रिंग को भी इंडेक्स, इस स्ट्रिंग या एरे के फॉर्मेट में स्टोर होता है स्ट्रिंग। हाँ, मैं क्या बोलता हूं बार बार, इसको बेस एड्रेस बोलता हूं। पूरी स्ट्रिंग का एड्रेस कैसे हो सकता है, देखो आपने घर एक छोटा सा वन बेडरूम आपके पास घर हो या एक बीघे का घर हो, एड्रेस तो बेस एड्रेस ही होता है, समझ में आ रही बात, जहां से स्टार्ट करते हो जहां पे एंड होता है। तो हमारे पास जो एक्चुअल डेटा, वो डेटा छोटा भी हो सकता है और डेटा बड़ा भी हो सकता है, सब भी एक एक कैरेक्टर के एड्रेस पे हम काम नहीं करते, हम कहाँ से काम करते हैं, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो जितना भी हम डेटा स्टोरेज सिस्टम पढ़ते हैं उन सभी में जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको रीड करते हैं। तो एक जगह स्टार्ट, जैसे किसी घर के गेट पे चले गए तो उसके अंदर जितने रूम्स हैं सबको नहीं चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो ना, तो ठीक वैसे ही जब हम 1000 पे गए तो हमें पहले क्या मिलेगा, एच मिल जाएगा, फिर उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, उससे पूरा का पूरा हेलो को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूँ बेस एड्रेस की ही बात करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए अभी किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आते हैं। मैंने कहा क्या, 1000, ये हेलो दे दिया। अब देखो जब भी स्टार्ट होता है, अब इसको समझने की कोशिश करना, स्ट्रिंग को समझ, स्ट्रिंग थोड़ा स्पेशल है। मैं देखो डॉट पढ़ाने के लिए आपको कुछ डिटेल बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें, स्ट्रिंग थोड़ा स्पेशल है। हमने कहा कि ये जो एच है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक इंडेक्स पोजीशन है 0, इसके आगे का इंडेक्स पोजीशन क्या है 1, इसके आगे का 2, इसके आगे का 3, इसके आगे का 4, सुन रहे, 0 1 2 3 4। अब होता क्या है कि प्रीवियस लैंग्वेजेस जब हमने, अगर आप कभी सी पढ़ोगे, सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो ऐसी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग और कैरेक्टर दो डेटा टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर्स क्या, एक सिंगल कैर को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रिंग क्या करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है।
बाकी सभी लैंग्वेज के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर करेक्टर्स रखे जाते हैं और डबल कोट्स के अंदर क्या रखे जाते हैं, स्ट्रिंग। सभी लैंग्वेज कहना गलत होगा, कुछ लैंग्वेज के अंदर जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, डॉट नेट, इन लैंग्वेजेस के अंदर स्पेशली करेक्टर अलग होते हैं। जहां करेक्टर अलग होते हैं वहां सिंगल कोट्स में रखा जाता है और स्ट्रिंग को कहां रखा जाता है, डबल कोट्स में रखा जाता है। अब देखा जाए तो हम लोग भी अगर हेलो लिख रहे हैं तो हेलो को तो स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन एच को क्या कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या कहता है, जावास्क्रिप्ट कहता है कि एच इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एक सिंगल कैरेक्टर है फिर भी स्ट्रिंग है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं माइंड में, अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग बेसिकली कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और यहां पर कैरेक्टर्स को भी हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास x के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो आंसर्स क्या दोगे, 5 होगा। ठीक है, देखो इंडस्ट्री के अंदर कलेक्शंस जो टर्म है ना बहुत ज्यादा यूज होता है, बड़ा प्रैक्टिकल यूज होता है। तो हमारे पास एक जो डेटा टाइप जो स्ट्रिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ करेक्टर कहते हैं। स्ट्रिंग हमारे लिए क्या है, स्ट्रिंग हमारे लिए कलेक्शन ऑफ करेक्टर है। तो हमें इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़े ध्यान से समझना है, स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर है। तो जब भी कलेक्शंस की बात होती है, अगर मैं कहूं कि ये क्लासरूम क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, तो देखो जब आप किसी कलेक्शंस को पढ़ते हो तो उसके ऊपर अपने आप ही क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होगा, मैंने कहा कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई आएगा यहां पर तो क्या पूछना चाहेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हर कलेक्शंस के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, क्या एक क्वेश्चन बनता है कि टोटल काउंट कितना है। समझ में आ रही बात, किसी कलेक्शंस के अंदर एक क्वेश्चंस तो बाय डिफॉल्ट बनता ही बनता है कि टोटल काउंट कितने हैं। समझ में आ रही बात, अगर क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो हम क्या काउंट करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ऐसा फ्लिपकार्ट पे एक कलेक्शन है, किसका, प्रोडक्ट का कलेक्शन है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे ना टोटल कितने प्रोडक्ट है। तो हर कलेक्शंस के साथ इंडस्ट्री में जितने कलेक्शंस होते हैं, हमेशा आपके पास कोई ना कोई मेथड होना चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ये पता कर पाओ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स किसको कहेंगे, जो उसके अंदर, देखो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं एक्स वेरिएबल के अंदर हेलो रखा हुआ है, तो एक्स क्या हुआ, एक्स एक तरह से क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, और एच ई एल एल ओ जो लिखा हुआ ये क्या हुए, ये हुए एलिमेंट, कैरेक्टर भी यही हुए और इनको एलिमेंट कहते हैं। तो हर जगह तो कैरेक्टर होंगे नहीं कलेक्शंस में, क्या मैं क्लास के कलेक्शंस, क्लास को कहूंगा, क्लास को क्या कैरेक्टर्स का कलेक्शंस कहूंगा, नहीं, किसका कलेक्शन कहूंगा, या तो स्टूडेंट का कहूंगा, और कहेंगे क्लास के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो क्लास के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, ऐसा कह सकते हैं, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट लाइक एलिमेंट्स। तो आप टर्म्स को समझने की कोशिश करो, एलिमेंट्स। अगर मैं कहूं कि फ्लिपकार्ट पे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो फ्लिपकार्ट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आप कहोगे, और उसका एक एलिमेंट क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। भाई प्रोडक्ट का कलेक्शन है तो एक एलिमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ही तो होगा। मैं कहूंगा कि स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एलिमेंट, कैरेक्टर टाइप ऑफ एलिमेंट, ऐसा आप कह सकते हो। समझ में आ रही बात, तो इस ढंग से आपको बातें करनी है, समझनी है। तो कभी भी आपको कलेक्शन से क्या निकालना पड़ सकता है, कलेक्शन से आप एक एक एलिमेंट निकालने की जरूरत पड़ सकती है आपको। जैसे मैं कहता हूं क्या कि भाई हेलो के अंदर से एक एक कैरेक्टर्स निकाल के लेकर के आओ। समझ आ रही बात, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे कहा जाएगा फ्लिपकार्ट के का जो कलेक्शन प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट को प्रिंट करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जब भी कलेक्शंस की बात होती है। इंडस्ट्री के जितने कलेक्शंस हैं, तो कलेक्शंस की हम बात करें तो कलेक्शंस में दो टर्म याद रखें, कलेक्शंस पूरा डेटा को क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, और उसके एक सिंगल एलिमेंट को
आप उस कलेक्शन के एलिमेंट, उसके सिंगल जो भी उसके अंदर रखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एक एक एलिमेंट को एलिमेंट कहते हैं सिंपल। स्लाइसिंग नहीं बोलते, एलिमेंट को स्लाइसिंग कहां से बोलोगे? नहीं, फाइंड करने को स्लाइसिंग कैसे बोलोगे? स्लाइसिंग मीन्स काटना, ठीक है, जैसे घर में खीरा काटते हो ना, तो वैसे ही स्लाइसिंग होगी। तो अगर आप स्लाइस करके क्या करते हो, छोटे छोटे पीस में अलग करते हो ना, तो अगर आपको हेलो के अंदर से दोनों एल को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तब क्या करोगे, तब स्लाइस करोगे। समझ में आ रही बात? तो स्लाइसिंग वो प्रोसेस होगा कि आप क्या करोगे, कट कर रहे हो और वहां से बाहर निकाल, इसको स्लाइसिंग कहते हैं। जो एलिमेंट एलिमेंट तो एलिमेंट समझने की कोशिश करो, क्लास के एलिमेंट्स, जैसे सबसेट आपने पढ़ा होगा ना, कौन सी मैथमेटिक्स होती है, अलजेब्रा जो होता है ना, सेट थ्योरी जो पढ़ते हो, सबसेट निकालते हो ना, सबसेट निकालने को हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स हम यूज करेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। मैं चेक कर लूं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम आ रही है या सब सही चल रहा है? यस दुबे कह रहे सर, अगर हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा फेच होता है? हाँ, गलत कह रहे हैं। जो आइटम आता है वो स्ट्रिंग होगा, आइटम आइटम होगा, कैसे स्ट्रिंग हो सकता है टाइप? भाई क्लासरूम से अगर आपको निकाला जाएगा तो आप स्ट्रिंग हो जाओगे, क्या बनोगे आप? मैं तो स्टूडेंट ही रहोगे, मैं तो मैं ही नहीं रहोगे। आप क्लासरूम में हो तो आप क्या हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, समझ में आ रही बात? आप क्लासरूम में हो तो आप स्टूडेंट हो, तो आप निकलोगे तो स्ट्रिंग बन जाओगे, क्या बनोगे, स्टूडेंट ही रहोगे ना। तो यस, आपने जो क्वेश्चन बट वगैरह कुछ नहीं, आपने क्वेश्चन क्या किया कि सर अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा फेच होता है क्या? नहीं, नोट कर लो, नहीं होता है भाई, उसकी बात छोड़ो, हटाओ ना, पहले क्वेश्चन का आंसर दो, कंफ्यूज ना हो। आप समझते हैं, पहले मैं कहीं और था, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। इस कलेक्शंस को थोड़ा पढ़ ले, क्वेश्चंस तो आपने लिख लिया, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होता है, आपको नहीं पता तो स्ट्रिंग नहीं होता, ध्यान रखो। किसी गेट एलिमेंट बाई आईडी एक फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा, बताओ तरीका क्या है पता करने का? दो नंबर को सम करने का आपने फंक्शन बनाया था, उसका रिटर्न टाइप क्या था, क्या था उसका रिटर्न टाइप, नंबर था ना, कैसे पता चला था? आपने दिया था या फिर आपने बनाया था, आपने उस फंक्शन से पूछा था कि भाई आप क्या दे रहे हो हमें, तो फंक्शन ने बोला था कि हम आपको क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। जब भी आप किसी फंक्शंस को कॉल करते हो तो उस फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन से पूछा जाता है कि भाई तुम क्या रिटर्न कर रहे हो। अगर वो नंबर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप नंबर होगा, अगर वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, अगर वो कुछ और रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप कुछ और होगा। तो जब आप एक फंक्शन कॉल करते हो गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आपको कुछ दे रहा है, अब आपको उसका डेटा पता नहीं है तो उसका डेटा कैसे पता चलेगा? आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी का डॉक्यूमेंट देखोगे, डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, तो वो आपको बताए कि नहीं, जो रिटर्न मिल रहा है आपको वो क्या मिल रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप मिल। हाँ, प्रीडिफाइंड का कोई भी, आप भी जो मैंने बनाया फंक्शन, देखो फंक्शंस के साथ मैंने कहा था तीन बातें मेनली, फंक्शन नेम,
इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट आप अंदाजे से कभी नहीं बोल सकते हो भाई, फंक्शंस किसी फंक्शंस का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा अंदाजे से नहीं बोल सकते हो जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। 800,000 फंक्शन ऐसे अंदाजे से 800,000 की स्ट्रिंग बना लो आप, समझ आ रही बात? सबके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई कुछ ना रिटर्न करे, तो आपको ये सारी बातें समझ करके करना है। यस, क्लियर हो गया। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। रिटर्न टाइप पे बहुत प्रोग्रामिंग होती है, बहुत ज्यादा उसको समझना पड़ता है। डेटा टाइप रिटर्न टाइप को बार बार स्टडी करना। हाँ, इसका रिटर्न टाइप ये है, जब हम डॉट वैल्यू लगाते हैं पढ़ते हैं, तो वैल्यू जो डेटा स्टोर हो रहा है उस डेटा को पढ़ते वक्त वो हमेशा स्ट्रिंग में पढ़ता है, उस डेटा को हमेशा वो किस में पढ़ता है? स्ट्रिंग में। तो वैल्यू वैसे भी कोई फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टीज है जिससे वो एट्रीब्यूट है जिसको स्ट्रिंग में पढ़ता है वो। कोई और क्वेश्चन किसी का इधर? हाँ, आगे चल करके मैं बहुत कुछ अभी बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट भी बताएंगे। हाँ, चलो मैं थोड़ा इधर आ रहा था, ध्यान दो। अभी थोड़ा स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं, स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं, फिर उस प्रॉब्लम पे आएंगे। देखो, कैलकुलेटर बनाना, पहली बात तो क्या, कैलकुलेटर बना करके अपने पास रखे, उसको बेच तो पाओगे नहीं कैलकुलेटर को। तो कैलकुलेटर एक ऐसा एग्जांपल है जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए चलना है कि भाई इसकी जरूरत पड़ी हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग आपसे पूछा गया, स्ट्रिंग इज व्हाट? तो आप कह सकते हो, आप नॉर्मल डेफिनेशन कह सकते हो, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ एलिमेंट। कैरेक्टर टाइप ऑफ एलिमेंट, स्ट्रिंग के अंदर से एक एक डेटा निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई, लास्ट रो बताना जरा। स्ट्रिंग से एक एलिमेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा? कैरेक्टर निकलेगा, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ही निकलेगा, लेकिन निकलेगा क्या? ठीक है, अगर क्लासरूम से एक एक एलिमेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा? पीछे इधर बताओ, लास्ट क्या निकलेगा, तेज बोलो थोड़ा। स्टूडेंट निकलेगा, कैरेक्टर तो नहीं निकलेगा ना, स्टूडेंट निकलेगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा? प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट निकलेगा, एक एलिमेंट एक प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चंस क्या होता है कलेक्शंस पे, कलेक्शंस पे क्वेश्चंस क्या होता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स अवेलेबल इन टू कलेक्शंस, हमेशा ये क्वेश्चंस बनता है। तो आपको स्ट्रिंग के अंदर से भी पता होगा, स्ट्रिंग का बिहेवियर एक एरे जैसा होता है, तो थोड़ा एरे यहाँ भी दिख रहा है। स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को आप इंडेक्स पोजिशन से एक्सेस कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना जरा। हमारे पास जो है x, x के अंदर हेलो रखा हुआ है, तो हेलो में पहला जो h है किस इंडेक्स पोजीशन पे है? जीरो पे है। दूसरा जो है वन पे है, तीसरा टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो h है किसी एक एलिमेंट को रीड करना, तो कैसे रीड करोगे आप? अगर h को पढ़ना चाहते हो, हमने कहा वेर a इक्वल्स टू, ध्यान समझो, जब भी एरे वाला मैं सिंटेक्स दू तो आप इसको कैसे पढ़ पाओगे, इसको ऐसे पढ़ पाओगे, एक्स x, x का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ध्यान से देखो, x का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। अगर x का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ हम क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ध्यान समझो, स्ट्रिंग के साथ हम क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अगर मैंने इसके अंदर जीरो पास कर दिया, जीरो पास कर दिया, ये सेमी कॉलन लगा दिया, तो जीरो पास कर दिया, तो देखो ये जो एच है, एच क्या है? एच को हम कह सकते हैं क्या? एक्स ऑफ जीरो। ये जो ई है, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स ऑफ वन। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स ऑफ टू। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्स ऑफ थ्री। और इसके बराबर वाले को क्या कह सकते हैं? एक्स ऑफ, एक्स ऑफ फोर कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? एक्स ऑफ फोर कह, सभी को क्लियर है? क्वेश्चंस है, अभी देखो हजारों क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे पास, इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने, एरे भी समझना, जल्दी हम
एरे डेटा टाइप आएंगे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आएंगे, तो हमारे पास टॉपिक ऑलमोस्ट जो नॉर्मल टॉपिक्स है सब ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे लेयर पे चले जाएंगे, हाई ऑर्डर फंक्शंस पे चले जाएंगे और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन कर जाएंगे। x ऑफ 0 दिया तो a के अंदर क्या आएगा? कहाँ थे आप? यही है ना, ध्यान दो, यही है तो ध्यान दो, कैसे फोकस कर रहे हो यहाँ वहां, ऐसे थोड़े फोकस करते हैं, ध्यान दो। हाँ जी, x ऑफ 0 क्या आएगा? x आ जाएगा, क्या आएगा? h आएगा, क्या आएगा? उसका एड्रेस आ जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, एड्रेस एक बार भी बोला मैंने। देखो ना, इंडिकेशन दिया है कि h को क्या बोलेंगे, x ऑफ 0, e को क्या बोलेंगे, x ऑफ 1, l को क्या बोलेंगे, ये पढ़ना सीख लो। मोर देन 60% जो इंडस्ट्री के एग्जांपल ऐसे ही कर ले, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, 0, 1, 2, 3 एरे तक, इसी पे फोकस होना, इंडेक्सिंग पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए, और बिल्कुल रॉकेट साइंस ने, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं x ऑफ 0 मींस x क्या है, x पूरा का पूरा, देखो सबसे पहले कैसे सोचेंगे, x एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसके अंदर कलेक्शन होगा, कलेक्शंस के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम क्या लगा रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, इंडेक्स पोजिशन जीरो दे रहे हैं, जीरो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कह रहे हैं, जीरो कह रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है उसका, एच है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमने कहा वेर ए इक्वल्स टू एक्स ऑफ 3, बताओ क्या आएगा, ए के अंदर क्या आएगा, एल आ जाएगा, इसके अंदर एल आ जाएगा, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, क्या आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं चेक कर लूं जरा, ये सभी कैलकुलेटर पे आ रहा हूं, पहले स्ट्रिंग वाला थोड़ा देख लो, फिर मैं कैलकुलेटर पे पहुंचने वाला हूं, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। कैलकुलेटर को पॉज कर दिया थोड़ी देर के लिए, अब फिर हम देखेंगे, ये हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो हमारे पास कलेक्शंस होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, जीरो होता है, सेकंड पोजीशन का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा। अगर मैं किसी से कहता हूं आपसे, ठीक है, आप बताओ जरा कि ये जो ओ है ओ को एक्सेस करना है मुझे, ओ को रीड करना है, वेयर बी इक्वल्स टू ओ को रीड करना है तो क्या दूं, एक्स ऑफ 4। सभी को क्लियर है, किसी एलिमेंट को हम कैसे रीड कर सकते हैं, सभी को क्लियर हो रहा है, स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को कैसे रीड कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस क्या बनाना, आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि एक स्ट्रिंग दे दिया गया उसके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करो तो लूप लगाना पड़ेगा, हम आगे लूप पढ़ाने वाले, बताओ। देखो कायदे से तो आउट ऑफ रेंज हो गया, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, तो आउट ऑफ बाउंड कई बार एक्सेप्शन भी देता है जावास्क्रिप्ट, कई बार एक्सेप्शन नहीं देता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन दे देगा कि आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाना चाहिए, ठीक। हाँ अभी चेक करके देख लेना, नहीं आएगा तो फिर सारे लाइन्स, मुझे कई सारे लाइन्स जो है सारे बिल्कुल टिप्स पे याद नहीं है, कई सारे लैंग्वेज आती है ना, दो को निकालना है तो अभी उसके उपाय देखेंगे, आपको दो को निकालना है, चार को ऐसे अब इच्छा हो रही ना, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा पीछे, ओहो
ये बड़ी गलत बात है। इंडेक्सिंग जीरो से ही क्यों स्टार्ट होती है बताओ? एक्चुअल में मैं पहले पढ़ाता था कि जीरो से कैसे, तब फिर थोड़ा सी भी पढ़ाता था मैं, तब वो टाइम नहीं रह गया कि इतना उसको पढ़ाने, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे में पढ़ाता था तो फिर मैं बताता था, ठीक है। फिर भी आप समझ लो बेस एड्रेस सभी जीरो से इसलिए स्टार्ट होते हैं कि जो एड्रेस कैलकुलेट करने का जो डेटा स्ट्रक्चर, आप लोगों ने कभी पढ़ा है तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ोगे तो एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिखाया गया है हाउ टू रिप्रेजेंट एरे इनटू मेमोरी। तो एरे को जब मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमेशा मिलता है वो बेस एड्रेस पे मिलता है। जो 1000 बेस एड्रेस दिया हुआ उस बेस एड्रेस पे क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो बेस एड्रेस कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी एक्स ऑफ आई के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला, इसका एड्रेस कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अगर मैं कहूं कि एड्रेस कैसे निकालोगे, इसका एड्रेस ऑफ एक्स ऑफ आई, तो एक्स ऑफ आई का एड्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या? बेस एड्रेस प्लस आई मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से मैंने कि इस एलिमेंट का कुछ साइज होगा, होने दो, लेकिन अगर आई की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस होता है। 1000 प्लस 0=1000 मिल जाएगा। अगले एलिमेंट का एड्रेस क्या आएगा? अगर पहले का साइज 8 byte का है तो अगले का एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा? 1000 plus 8, तो 1008 हो जाएगा अगले वाले का एड्रेस, फिर उसके आगे वाले का एड्रेस ऐसा हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग जो बेस एड्रेस, ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इस फॉर्मूले को के हिसाब से बनाया गया, इसलिए ये जो फॉर्मूला दिया गया ना, इसके हिसाब से बनाया गया है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, इसलिए ये हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सबको यहाँ तक समझ में आ गया, एलिमेंट्स तक समझ में आ गया। अब देखो, ध्यान समझने की कोशिश करो, ये एलिमेंट हमने एक एक एलिमेंट आपको बता दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग किसी ने बना के दिया हुआ है, तो जिसने स्ट्रिंग बना करके दिया गया है उन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस बनाए, अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं जिन्होंने स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाया है। तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग का अगर कोई आपको फंक्शन यूज करना है तो आप क्या करोगे, जो स्ट्रिंग है जैसे एक्स स्ट्रिंग है एक्स डॉट, आप उसके फंक्शन को यूज कर सकते हो, एक्स डॉट लगाओ आप फंक्शंस को यूज कर सकते हो। जैसे एक्स डॉट एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इंक्लूड्स। x डॉट एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इंक्लूड्स। तो देखो x क्या है, x का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन बना हुआ जिसका नाम है इंक्लूड्स। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है, ये पढ़ाने वाला हूं। देखो कैसे समझोगे, ध्यान से समझो इनका यूज क्या है और कैसे हम काम करेंगे। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, हम लोग कैसे काम करेंगे ध्यान से देखना। मैंने ये ओपन किया और मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, यहाँ कुछ लिखता हूँ। मैंने कहा क्या, x इक्वल्स टू हेलो मैंने लिखा, और मैंने कहा क्या एक्स, यहां वैर लगा देते हैं, वैर तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ना स्टार्ट कर देगा। हमने कहा एक्स डॉट, देखो एक्स डॉट लगा रहे तो एक्स के फंक्शंस दिखा रहा है, यहां पर क्या है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स दिख रहा है, एक्स का एक मेथड या फंक्शन है जिसका नाम क्या है इंक्लूड्स।
ये किसने, हमने नहीं बनाया, ये पहले किसी ने बनाया है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। तो अगर मुझे इंक्लूड्स पढ़ना, तो आप सबको पता है क्या क्या पढ़ाना पड़ता है फंक्शंस के लिए। तो देखो ध्यान से, x डॉट इंक्लूड्स, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको, x डॉट इंक्लूड्स डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं इस डेफिनेशन को लेकर के आता हूं यहां पर। सभी ध्यान से देखेंगे, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स किसका फंक्शन है? स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग अगर आपके पास, देखो स्ट्रिंग का फायदा, आपसे पूछा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रिंग, तो आप कहोगे अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो मैं उसके साथ एरे वाला इंडेक्सिंग यूज कर सकता हूँ। एरे वाला इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, और वो एक कलेक्शन होता है, उसके इंडेक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे दिमाग तेज होगा, अगर ये पता होगा तभी आप काम कर पाओगे। तो किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है तो उससे हम क्या पढ़ सकते हैं? उससे हम उसके एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो आप बताना जरा कि मैं क्या लिखता हूं, वेयर ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ए का डेटा क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है। अब बताना जरा, मैंने कहा वेयर बी इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1, बी में क्या आएगा? अच्छा सॉरी, ए ऑफ 1 दे दिया, तो क्या आएगा बताना जरा, बताओ क्या आएगा बी में? कैसे 2 आएगा भाई? ए का डेटा टाइप क्या है? नंबर है, नंबर है तो क्या उसके अंदर इंडेक्सिंग हो पाएगी? ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा था क्या अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते, या कोई और डेटा टाइप है जिसके साथ इंडेक्सिंग चलता होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये एरर है, ये वैलिड नहीं है। इंडेक्सिंग वर्क्स विद एरे, और आप कह सकते हो किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। तो इसलिए मैंने बताया कि डेटा टाइप ध्यान रखो, इंक्लूड्स जो लिखा मैंने, इंक्लूड्स लिखा स्ट्रिंग के लिए लिखा, क्या मैं ए डॉट इंक्लूड्स लिखूंगा? ए का डेटा टाइप नंबर है, तो नंबर पे आपको पता नहीं इंक्लूड्स है या नहीं, तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग पे इंक्लूड्स होता है। तो देखो ये इंक्लूड, ये आपको याद करने पड़ेंगे, मेथड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसका नाम क्या है? इंक्लूड। और आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को, हम कैसे हम काम करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा लूप तक पहुंच जाए तब दूंगा मैं। मैंने कहा इंक्लूड दिया, इंक्लूड ये फंक्शन है, इस फंक्शन को एक्सप्लेन कौन कर सकता है? फंक्शन मैंने पढ़ा दिया है, इस फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट्स हैं? 2 आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट क्या है? सर्च स्ट्रिंग, और दूसरा पोजीशन है। रिटर्न टाइप क्या है इसका? बुलियन है, मींस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, यही मीनिंग हुआ इसका, ये मीनिंग हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, कि इस पे हम कैसे काम कर पाएंगे। इंक्लूड्स, पहली बात इंक्लूड्स ये किस पे काम करेगा, ध्यान से समझो। सर्च स्ट्रिंग दे रहा है, जैसे हमने कहा क्या वेयर, देखो दोबारा मैं लिखा वेयर एक्स इक्वल्स टू, हमने क्या किया, हेलो लिखा, तो एक्स का डेटा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। अब मैंने कहा एक्स डॉट इंक्लूड्स, इसका मतलब क्या, एक्स के अंदर आप चेक कर रहे हो, यानी हेलो के अंदर चेक करो सर्च स्ट्रिंग, क्या सर्च करना चाहते हो? मैं एल सर्च करना चाहता हूं, मैं एल सर्च करना चाहता हूं, पोजीशन क्वेश्चन मार्क लगा, इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है। और इसको क्या किया, वेयर कोई वेरिएबल बनाया, बी कुछ टू रख लिया। अब बताओ बी का डेटा क्या होगा? बुलियन होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब चेक करो एल इंक्लूड्स मेथड क्या करता है, उस स्ट्रिंग के अंदर देखता है कि ये जो स्ट्रिंग पास किया या कैरेक्टर पास किया वो उसके अंदर है या नहीं है। होगा तो क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू। नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। सर ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर
केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, ये एल दिया तो एल को वो मैच करेगा, तो ये एक्स डॉट इंक्लूड्स रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बताओ जरा इसका कोई फायदा होगा हमारे इस प्रोग्राम में, जो हमने डॉट वाला किया था, तो डॉट कब इसके अंदर कॉन्कैटेनेट करना है, अगर ऑलरेडी डॉट नहीं है तो देखो हम कोड क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा कोड क्या करेंगे, यहाँ पर कोड पे आते हैं हम, हमारा तो यही टारगेट था ना इस कोड पे करना, इस इंक्लूड्स को हटा देते हैं, देखो ध्यान से क्या किया हमने, We have to check dot already exist into string or not. तो किस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, हमने कहा if लगा दिया, हमने if लगा के क्या लिखा, कौन से स्ट्रिंग, where result है ना, dot क्या है, value, इसके अंदर dot लगाया, देखो यहां तक स्ट्रिंग है, फिर dot लगाया क्या, includes नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं आएगा, हम मान के चलो स्ट्रिंग है ना, कई बार इंटेलिजेंस नहीं बता पाता, उसे पता नहीं होता इसका डेटा टाइप क्या है, तो नहीं बता पाता, हमें पता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में क्या लिखो, डॉट। अब देखो अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, फॉल्स होगा तो हमें क्या करना है, वेयर सॉरी हमें क्या करना है, ये वाला कोड लिख देना है, कौन सा कोड, ये वाला कोड कर देना है, अगर ट्रू नहीं होगा तभी तो ये करना है, ट्रू होने पे कुछ नहीं करना, हमने केवल ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखते साथ ही देखो जरा चेक करो, हमने कहा 7.5 फिर डॉट लगाओ, यही करना था, फिर हमने 6 लिखा, देखो 6 ले रहे हैं, यही करना था, हमने एक छोटा सा कोड बनाया इंक्लूड्स हेल्प करके, इंक्लूड्स ने हमें बेनिफिट दिया, तो इंक्लूड अगर हमें पता है तो हम काम कर पा रहे, इंक्लूड हमें पता है तो हम काम कर पा रहे। अब अगर आपने ये देखा डॉट को कैसे हैंडल करेंगे, समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को, मतलब फंक्शन है कॉल कर सकते, लेकिन ई पास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ई पे काम कर रहा है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, कर पाएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस नो बता दे मुझे, इंक्लूड्स अभी बता रहा हूं मैं, बहुत सारे फंक्शंस में बताने वाला हूं आपको, मैं अभी बता रहा हूं इंक्लूड्स एक बार और बता देता हूं मैं आपको, हमें लॉजिकली क्या करना है, देखो होता क्या है कि हमने फंक्शंस पढ़ा हुआ है, फंक्शंस हर जगह बना के रखे हुए हैं, स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे फंक्शंस बना के रखे हुए, कौन से बहुत सारे फंक्शंस बना के रखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे आपको आने चाहिए, कुछ मैं बता देता हूँ या सारे मैं बता देता हूँ, देखो हमने कहा वेयर एक्स इक्वल्स टू, हमने कहा हेलो, मैंने हेलो लिखा, अब ध्यान दो एक्स डॉट लगाया मैंने, ये जो कैर एट दिखाई दे रहा है ये स्ट्रिंग का फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कैर कोड एट हमें पता होना चाहिए, कैर कोड पॉइंट एट कॉनकैट एंड्स विद एक्सक्लूड्स इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ, ये सब हमें पता होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बता देता हूँ आपको, एक एक करके सारे फंक्शंस बता देता हूँ मैं आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये बनता है। तो देखो जितने एरे के फंक्शंस है, मैं अगर यहाँ पर देखो गूगल करूँ, देखो ध्यान से देना, अगर आपको घर पे समझना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो मेथड ऑफ स्ट्रिंग इन जेएस, स्ट्रिंग के मेथड्स ओपन कर लो,
देखो ये दिखाई दे रहा है ना, इतने मेथड्स हैं, इन्होंने ऐसा लिख दिया बेसिक स्ट्रिंग मेथड, लेंथ एक है, लेंथ मेथड नहीं है, प्रॉपर्टीज है लेकिन मेथड लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑल स्ट्रिंग मेथड्स प्रोड्यूस ए न्यू स्ट्रिंग विदाउट एल्टरिंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। पहली बात तो कि जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो जो रिटर्न करते हैं वो हमेशा एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, अगर स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो इसको थोड़ी देर के इग्नोर करते हैं। कितने मेथड्स, देखो एक लेंथ दिखाई दे रहा है, कैर एट दिखाई दे रहा है, कैर कोड एट, एट दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, स्लाइस दिखाई दे रहा है, सब स्ट्रिंग, सब एस टी आर, टू अपर केस, टू लोअर केस, कॉनकैट, ट्रिम, ट्रिम स्टार, ट्रिम एंड, पैड स्टार्ट, पैड एंड, रिपीट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, स्प्लिट। इतने मेथड्स है और भी होंगे, एक एक करके आप पढ़ सकते हो, एक एक करके पढ़ सकते हो। अगर एक बार स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ लोगे तो आपका थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, उसको यूज करना स्टार्ट कर लोगे तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, जब भी कोई, पहली बात तो कोई फंक्शंस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। फंक्शंस पढ़ते हैं तो हर फंक्शंस के अंदर उसका क्या इनपुट है और उसका क्या आउटपुट है, दो बातें हमें पता होना चाहिए। तो और उसके साथ आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं कहूं क्या इंक्लूड्स के बारे में, मैं बताऊं इंक्लूड्स के बारे में बताऊं तो आप कह सकते हो इट इज ए मेथड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप that हमने कहा that except टू इनपुट आर्गुमेंट एंड रिटर्न ए बूलियन वैल्यू, ऐसा हो गया। इसके बाद क्या लिखें, इट इज हाँ एक्सेप्ट होगा, हाँ that accept two input argument and return a boolean value. It is used to check input a string input a string available into the actual string or not. इसका काम यही है कि ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो कभी भी आपको चेक करना है कि जो आपके पास कोई नई स्ट्रिंग को आप मैच कराना चाहते हो, ये स्ट्रिंग इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप यूज कर सकते हो क्या, सॉरी तो आपको इनपुट स्ट्रिंग चेक करने के लिए ये यूज कर सकते हो आप। तो ये तरीका होता पढ़ने का, और साथ में आपको क्या करना है, ये वाला सिग्नेचर भी लिख लें, सॉरी ये वाला सिग्नेचर साथ में लिख लेना है, ये वाला सिग्नेचर पैरेलली आप साथ में लिख सकते हो कि ये इसका सिग्नेचर है, जिस सिग्नेचर से आप काम करोगे, ये अगर आपके माइंड में है तो बड़े आराम से काम कर सकते हो, ये सिग्नेचर अगर आपके माइंड में है तो बड़े आराम से काम कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब
जरा सोच करके बता, मैं बार बार ये तो बता दे रहा हूँ, मैं बार बार ये बता दे रहा हूँ, सर्च स्ट्रिंग दो, पोजीशंस के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, तो ध्यान से समझो जरा मैं क्या कहता हूँ। एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने कहा एग्जांपल दे रहा हूँ, वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू हमने कहा हेलो लिख दिया, एक्स इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, ध्यान से देखना। अब एक्स इक्वल्स टू हेलो लिख दिया, अब इसके आउटपुट, इस मेथड को यूज करना मैं सिखा रहा हूं। देखो मैंने कहा क्या, वेर बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स डॉट लगाया मैंने, इंक्लूड्स लिखा, और इंक्लूड्स लिख करके मैंने क्या किया, ध्यान देना, इंक्लूड्स लिखा और इंक्लूड्स लिख करके एक ही आर्गुमेंट पास किया, मैंने कहा क्या एच। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, इंक्लूड्स एच को चेक करेगा इसके अंदर है या नहीं है, इसके अंदर है एच है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, वेयर बी इक्वल्स टू एक्स डॉट, एक्स डॉट इंक्लूड्स, और मैंने फिर एच लिखा और कॉमा लगा के टू दे दिया, एच लिखा कॉमा लगा के टू दे दिया। अब देखो कॉमा टू देने, इन पोजीशन वाला आर्गुमेंट में टू दे दिया, टू देने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, टू देने का मतलब क्या हुआ कि ये कैसे सर्च करेगा, इसके इंडेक्स पोजीशन जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे इंडेक्स पोजीशन है। अब टू दिया तो स्टार्ट सर्चिंग स्टार्ट कहां से होगी, टू इंडेक्स पोजीशन से। अब वो टू इंडेक्स पोजीशन से सर्च करेगा, टू पे क्या है एल है, फिर क्या है एल है, और फिर क्या है ओ है, तो क्या इसको एच मिलेगा इसके अंदर, तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा हमें इसके अंदर, फॉल्स मिले। बात समझ में आ रही है आपको, तो दोनों पोजीशंस क्लियर हो गई कि जो इंडेक्स पोजीशंस हम दे रहे हैं ऑप्शनल, हर जगह ऐसे ही ऑप्शनल दिया हुआ इंडेक्स पोजीशंस, तो आपको यूज करना है कि कब कौन सा काम करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे समझ में आया नहीं आया। मेनू पूछ रहे ये सर ये फंक्शन इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, जब हम किसी और का फंक्शन यूज करते हैं तो फिर क्या इंटरनली सोचना, इंडेक्स से चेक करेगा, बिल्कुल चेक करेगा, एक एक डेटा को मैच कराता है, आर्गुमेंट लूप लगाता है फिर मैच करता है, टू आर्गुमेंट इज यूज्ड वेयर। कह रहे सर अगर इंडेक्स थ्री पे एच हो और पोजीशन टू पे हो तो क्या ट्रू होगा, सर अगर इंडेक्स थ्री पे एच हो और पोजीशन टू पे हो तो क्या होगा, ट्रू होगा, अगर मैच कर रहा तो ट्रू होगा। सर पोजीशन हम देते हैं कि वो ऑटोमेटिक, अगर आप पोजीशंस नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंडेक्स पोजीशन कहां से स्टार्ट करेगा, जीरो से। इस फंक्शन का मीनू पूछ रहे इस फंक्शन का यूज क्यों किया जा रहा है, देखो इस फंक्शन का यूज बड़ा कॉमन सा यूज है, मैंने कहा किसी कलेक्शंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं क्या, देखो ये कितना जरूरी क्वेश्चन है क्लास में, मैं कहूं क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ये बेटर, मीनू ध्यान से सुनना, जब भी किसी कलेक्शंस की बात होती है तो हमने कहा एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि इस कलेक्शंस में टोटल एलिमेंट कितने हैं, जैसे ऑनलाइन अगर मैं पूछूं कि ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स हैं तो 43 या 42 जो मुझे दिख रहा है ये पता चल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछूं क्या कि क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स में मीनू आई हैं आज या नहीं आई हैं,
तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंक्लूड्स मीनू और नॉट, समझ नहीं गुजर सकता। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है कि कोई स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको हमें चेक करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, इंक्लूड है। तो स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने देखा क्या कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर हमें चेक करना था कि डॉट है या नहीं है, तो उसके लिए हमने मेथड क्या यूज किया, इंक्लूड्स मेथड यूज किया। तो इंक्लूड्स पता है तो आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल, चलिए मीनू को समझ में आ गया। रितेश करे सर, अगर हमें होल स्ट्रिंग में एच को सर्च करना होगा तो हम ओनली इंक्लूड्स लिखेंगे, इंक्लूड्स लिखेंगे और स्ट्रिंग पास करेंगे, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जीरो पे वो काम कर जाएगा। तो पहला मेथड क्लियर हो गया सभी को इधर, तो जानते हो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है। स्ट्रिंग के लिए अगर स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप है तो उससे आपको क्या फायदा, क्या क्या कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ, आप बताओ क्या क्या कर सकते हो। इंडेक्सिंग यूज कर सकते, देखो समझो जरा बात ध्यान से, अगर ये आपके पास अपने आप नहीं निकल के आएंगे तो सॉफ्टवेयर भी नहीं बनेंगे। हाथ क्यों नहीं चलते, क्योंकि आपके पास अपना कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, लिखने के लिए। अगर स्ट्रिंग है तो मैंने बताया अभी दो टास्क समझाया कि स्ट्रिंग है तो उसमें क्या लगा सकते हो आप, इंडेक्स लगा सकते हो। इंडेक्स लगाने का फायदा क्या होगा, 0, 1, 2 एक एक एलिमेंट हम गेट कर सकते हैं, इंडेक्स का फायदा ये। फिर और क्या होगा, अगला आप बताओ और क्या कर सकते हो स्ट्रिंग पे, बताओ। वो तो कर लिया हमने, और क्या कर सकते हो जो मैंने बताया उसमें, और क्या कर सकते, एलिमेंट निकाल सकते हो इंडेक्स से, ये तो बता दिया, इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप बताओ क्या कर सकते हैं, वो तो बता दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एलिमेंट निकाल सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो स्ट्रिंग पे। हाँ कौन सा मेथड, इंक्लूड सभी तो पढ़ाया, दो चीजें पढ़ाई तो दो तो याद होना चाहिए। स्ट्रिंग पे सर ने बताया क्या, इंडेक्स लगा के एलिमेंट निकाल सकते हो, और एक मेथड भी सिखा दिया जिसका नाम क्या है, इंक्लूड्स। और वो मेथड पूरा याद होना चाहिए कि इंक्लूड्स के अंदर दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं, पहला आर्गुमेंट जो पास होगा उसके बेसिस पे सर्चिंग होगी, अगर वो एलिमेंट वो स्ट्रिंग मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। पोजीशन ऑप्शनल है, हम देंगे तो उस पोजीशन उस इंडेक्स पोजीशन से सर्चिंग स्टार्ट होगी, नहीं देंगे तो जीरो से स्टार्ट होगी। अगर इतना पता होगा तो काम कर पाओगे, नहीं पता होगा तो काम नहीं। तो दो याद रहेंगे आपको, अगले लेक्चर से जितने मैं मेथड्स पढ़ाता जाऊंगा सब पूछूंगा मैं, और पूछूंगा वैसे ही स्ट्रिंग से क्या समझोगे, डेटा टाइप आया तो क्या बेनिफिट हुआ, ऐसा नहीं इंक्लूड जाकर आप इंटीजर पे लगाओ, ठीक है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है और डेटा टाइप पे हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एक्स डॉट इंक्लूड जैसे मेथड देखते हैं, एक्स डॉट कौन सा मेथड है, इंडेक्स ऑफ। इस मेथड को आप में से किसी को एक्सप्लेन करना है, ये देखो ये पूरा ना इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ऐसे पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड को। मैं यहां लेके आता हूं और मैंने क्या किया यहां पर ऐसे पेस्ट कर दिया, इंडेक्स ऑफ किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है, जैसा नाम से दिख रहा है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है,
इसके अंदर भी कितने आर्गुमेंट जा रहे हैं, दो आर्गुमेंट, यानी ये भी सर्च करेगा। देखो एक सर्च स्ट्रिंग नाम लिखा है, सर्च पहला वैसे ही आर्गुमेंट है तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, सर्च करेगा ये। और पोजीशन भी क्या है, नहीं बताओगे तो जीरो से और बताओगे तो जो बताओगे वहां से, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में जो आप डेटा दोगे, जो आप स्ट्रिंग दोगे, उस स्ट्रिंग को सर्च करेगा और रिटर्न क्या करता है, ये नंबर करता है, उसकी पोजीशन बताएगा कि किस इंडेक्स पोजीशन पे वो स्ट्रिंग मैच कर गया। इंक्लूड्स ने बताया था कि वो है या नहीं है, और इसने क्या बताया, वो अगर होगा तो उसका पोजीशन क्या देगा, जो इंडेक्स पोजीशन है, और नहीं होगा तो क्या देगा। देखो सारी बातें लिखा हुआ, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग, जो सबसे अगर दो बार आया हुआ है तो कौन सा इंडेक्स पोजीशन देगा, पहला वाला देगा, जो पहला मैच कर जाए। फिर एट द रेट परम सर्च स्ट्रिंग द सब स्ट्रिंग ऑफ टू बी सर्च, जो स्ट्रिंग सर्च करना है, और दूसरा क्या, पोजीशन इंडेक्स विच इज बिगिन सर्चिंग द स्ट्रिंग इफ ओमिटेड, सर्च स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ। अब इन्होंने सब दे दिया, एक चीज नहीं दिया, देना चाहिए था इनको, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो माइनस वन रिटर्न करता है ये, चेक कर लें क्या। देखो अगर चेक करना है आपको कोई चीज, तो आसान सा तरीका क्या है कि कोई ऐसा फाइल ओपन करो, एक फाइल बना लो नोट में, हम लोग चेक कर लेंगे डायरेक्ट, यहाँ चेक कर सकते हो। और अच्छा तरीका, एक और अच्छा तरीका है काम करने का, अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ये आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर पर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट ओपन कर लो, और इंस्पेक्ट ओपन करके यहाँ से आप क्या ओपन कर लो, कंसोल, ठीक है, ये कंसोल ओपन कर लो। अब यहाँ लिख सकते हो, हमने कहा क्या, वैर, हमने कहा x इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, एच ई एल एल ओ, हेलो, तो x के अंदर हेलो आ गया। अब आपने कहा क्या, देखो x डॉट कौन सा मेथड था, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ में आपने क्या दे दिया, आपने सिंगल कोट्स में l पास कर दिया, ऑफ चला गया, ऑफ का ओ कैपिटल है, केस सेंसिटिव, ऑफ दे दिया हमने, ये चला गया, एंटर कर दे, देखो टू दिया, टू ही आना चाहिए था, सर अगर एल के था एलएल दे दो, एलएल आप बताओ क्या देगा, अगर एलएल दे देंगे तो, एलएल दे देंगे तो क्या देना चाहिए, एलएल दिया तो पूरा एलएल कहां से स्टार्ट होगा ये बताएगा, तो पूरा एलएल तो जीरो से, वो उसी से स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा ना, कभी भी सर्चिंग के केस में इंडेक्स बताना है तो चार इंडेक्स नहीं बताता है भाई, आपने एक बड़ी स्ट्रिंग दे दी हेलो को, हेलो ही दे दिया सर्च करने को, तो इंडेक्स पोजीशन क्या बताएगा, वो जीरो, सबके नहीं बताएगा, कहां से मैचिंग स्टार्ट हुई वो बताते, अगर मैच हो गया तो उससे आगे सारा वही हेलो ही होगा ना, वही होगा ना, तो जहां से मैचिंग हुआ स्टार्ट वो बताएगा ये, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन में आ गया सभी को, तो मेथड काउंट कर लो, एक मेथड क्या बताया था भाई, इंक्लूड्स, दूसरा मेथड क्या बताया, इंडेक्स ऑफ, दोनों एक जैसे याद होने चाहिए, ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, इंडेक्स ऑफ बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, ऐसा ही लास्ट इंडेक्स ऑफ है, वो लास्ट से मैचिंग स्टार्ट करता है, इंडेक्स काउंट वही करेगा। जैसे देखो ये जो है ना इंडेक्स ऑफ, जो हमने ये लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ को, हमने कहा लास्ट लगा दिया इसमें, लास्ट इंडेक्स ऑफ, देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ कर दिया, तो ये पीछे से सर्च करेगा, तो एल का स्टार्ट पोजीशन क्या होगा, ये इधर वाला स्टार्ट होगा, तो क्या आना चाहिए इसको, थ्री देना चाहिए इसको, एल एल आ रहा है, थ्री देना चाहिए ना, नहीं क्या देना चाहिए भाई, टू ही देना चाहिए ना, हाँ टू ही देना चाहिए, देखो टू ही देगा, एल एल जो मैचिंग वो सीधा ही मैच कराएगा ना, उल्टा नहीं मैच कराएगा, वो पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ सिंगल एल में जरूर डिफरेंस आएगा, देखो ध्यान से देखना, सिंगल एल, पहले सिंगल एल में क्या आया था, टू आया था, अब सिंगल एल लास्ट से मैच कराओगे तो बाद वाला मैच कर जाएगा पहले, उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, थ्री है, तो यहां देखो क्या आ रहा है, थ्री है, नहीं नहीं एल एल में थ्री कैसे आ रहा है, एल एल अपोजिट से मैच, एल एल मैच कहां से होगा, जहां से वो एल एल स्टार्ट हुआ है,
मैच सीधा ही मैच करेगा ना। सीधा मैच करने का मतलब क्या है, आप उल्टा इसको नहीं पढ़ना। देखो जरा ध्यान से, काम एक ही कैसे कर रहा है भाई, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एच ई एल एल ओ है, ठीक है, एल एल मैच करना है। तो पहला एल हुआ, ये पहला एल हुआ तो एल ही मैच किया ना, यहाँ मैच करा तो एल के बाद ओ है, आपको एल एल चाहिए। जब यहाँ इस एल को मैच कराया तब एल के बाद क्या है, एल एल है, इसलिए ये मैचिंग पोजिशन हुआ ना कि ये मैचिंग पोजिशन हुआ। उल्टा मैच नहीं, वो इंडेक्स पोजीशंस लास्ट से काउंट करता है, मैचिंग तो सीधा ही मैच करेगा। जैसे मान लो मैच क्या कराना है, मैच कराना है ई एल मैच कराना है, तो ई एल एल ई ई एल नहीं है ना, ई एल है। मीन्स यहाँ पर अगर ई एल मैच कराना है तो इधर से मैच करेगा, तो एल पे तो नहीं मैच हुआ ना, मैच किस पे हुआ, ई पे हुआ, तो ई मिला करके ई एल हुआ, तो इसका इंडेक्स पोजिशन क्या हो जाएगा, वन हो। तो आपको लग रहा ना, देखो आदमी है बदल सकता है यार, ह्यूमन नेचर क्या होती है, ह्यूमन नेचर होती है ग्रेडीनेस, मतलब कि वो कैसे जैसे काम चला चला लेना। अभी ये मशीन है, या तो इसमें यही लगा दे तो फिर कुछ भी मैच करा करके दे दे, ठीक है, उसको सही से मैच करना है, जो लिखने का सिस्टम है उसी बेसिस पे मैच करेगा, तो वो इस ढंग से मैच करा करके देगा। नेक्स्ट मूव करूं, हाँ एक और प्रिंट करके देख लेते हैं, जो मैच नहीं करता उसमें मैंने बताया माइनस वन प्रिंट करता है या नहीं है, आप देख लो। एक तरीका यहां लिखने का ये हुआ, फिर मैंने कहा कि एल एल लिखा, इसमें एल एल ओ मैच करेगा नहीं, देखो जरा क्या कर रहे हैं, ले लो, अच्छा मैच कर रहा ना, देखो क्या दे रहा है, माइनस वन दे रहा है। तो आपको इससे ये भी पता चल सकता है कि मैचिंग हुई या नहीं हुई, अगर माइनस वन आ रहा है इसका मतलब कि जो आपने स्ट्रिंग दिया वो मैच नहीं किया, और अगर उसके अलावे कुछ आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैच हो। ऐसे भी कर सकते, इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, मेरे ख्याल से तीन मेथड आपको क्लियर हो गए, क्लियर है। और देखो और कुछ मेथड देखो, और इसको चेक करने का तरीका और भी है। देखो क्या करो, आप जब इसमें नोड में चेक करना चाहते हो तो आप ये क्या कर दो, टेस्ट वन डॉट जी एस एक फाइल बना लो और यहां पर चेक करो। हमने कहा वेयर एक्स इक्वल्स टू, हेलो लिखा मैंने, और हमने कहा वेयर बी इक्वल्स टू x dot includes, और हमने क्या किया, हमने कहा क्या इसके अंदर ll लिख दिया, और हमने क्या किया console dot log, और क्या कर दिया b को प्रिंट कर दिया। अब इसको रन कराना है तो मैंने बताया था कैसे रन कराने के कई सारे तरीके हैं, राइट क्लिक करो तो भी रन का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। टर्मिनल ओपन करो और क्या लिखना है, नोड और फाइल का नेम लिख देना, फाइल का नेम क्या है, फेब। ट्रू, ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को, इसने क्या किया यहाँ पर रन करा करके दे दिया। तो जो आपको तरीका पसंद में आया टेस्टिंग करने के लिए, बाकी तो हम प्रोग्राम यहाँ बना ही रहे, तो दो मेथड तीन मेथड मैंने बता दिया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। और क्या क्या मेथड है ध्यान से देखते रहो, अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एक्स डॉट कैरेट, कैरेट जानते हो क्या करता है, कैरेट मेथड चेक करो, अब मैं चाहूंगा आप में से कोई एक्सप्लेन करे, कैरेट दिख गया ना, कौन एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड है, ऐसे नोट्स बना लेना, कैरेट ये है, और अपने लिए जो जो चीजें जरूरत हो इसको आपको पढ़ लेना, पढ़ना पड़ेगा। कैरेट मेथड है, पढ़ के जरा समझने की कोशिश करना, हाँ बताओ जरा एक्सप्लेन करो क्या कर रहा कैरेट, देखो रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, समझ में आ रहेगा, जो इंडेक्स अभी अभी इंडेक्स वाला सिस्टम जो सिखाया था ठीक वैसा ही है,
कि आप क्या करोगे, अभी तक तो एरे वाला इंडेक्स आपने कहा क्या इस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्या वैर एक्स इक्वल्स टू क्या है, हेलो है, ठीक है। अब आपने कहा एक्स डॉट कैर एट पोजीशन देना है, इंटीजर पोजीशन देना है, हमने कहा क्या इंटीजर पोजीशन वन दे दिया इसके अंदर, और हमने कहा वैर बी इक्वल्स टू, तो बी के अंदर क्या आएगा, ई आ जाएगा, सिंपल, नाम से भी लग रहा है कैर एट, और पोजीशन दे रहा है तो पोजीशन दे रहा है तो उस पोजीशन पे क्या है, तो कुछ फंक्शंस के नाम से उसके आर्गुमेंट से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने फंक्शन पढ़ा दिए स्ट्रिंग के बताओ, हाँ 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 क्या कितने हो गए, चार हो गए ना, और क्या बताया एरे वाला इंडेक्सिंग बताया, पांच चीजें बता दी स्ट्रिंग के बारे में, तो ये काउंट करते रहो, काउंटिंग थ्योरी का काउंट आपको इतना आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते रहो, कुछ एक मेथड हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हुए, जो मेथड समझ में आ जाए उसको डायरेक्ट बगैर लिखे पूरा कर देंगे, मैं देख लूं ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं सर, एल एल ओ में टू कैसे आया प्लीज एक बार लास्ट इंडेक्स बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, यस ध्यान से देखो, हेलो है, हेलो में आपने क्या किया एक्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें क्या दिया एल एल ओ दिया, देखो सर्चिंग कैसे स्टार्ट होगी ध्यान समझो, ये हेलो रखा हुआ मैं इंडेक्स लगा के बता देता हूँ, एच ई एल एल ओ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब होगा क्या, लास्ट इंडेक्स ऑफ मीन्स लास्ट से वो मैच कराएगा, तो पहले जी ओ को देगा, क्या ओ के बाद ओ की मैचिंग, ओ और उसके आगे के करेक्टर की मैचिंग एल एल ओ हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसको छोड़ देगा, फिर इस पे आएगा एल, एल तो मैच किया लेकिन उसके बाद फिर एल नहीं आया तो इसको भी छोड़ देगा, फिर यहां पर आएगा वो, यहां पर आएगा तो एल एल ओ और ये एल एल ओ मैच कर गया, तो किस पोजीशन में मैच किया, टू पे मैच किया, इसलिए क्या होगा ये टू इंडेक्स, क्लियर है, यस आपने क्वेश्चन पूछा था, चलिए ठीक है, अब आगे के पोर्शंस पे चलते हैं, कैरेट देख लिया, अब देखो कैर डॉट लगाया, कैर कोड एट, कैर कोड एट कौन एक्सप्लेन करेगा, पढ़ना सीख, ये पढ़ना सीखना बड़ा जरूरी है, एक बार पढ़ने लगोगे तो मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, आप अपने आप ही पढ़ के सीख सकते हो, समझ आ रही बात, कौन एक्सप्लेन करेगा, हाँ जी बताओ, नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ, पढ़ो तो सही, रिटर्न्स द यूनिकोड वैल्यू ऑफ करेक्टर, करेक्टर एट द स्पेसिफाइड लोकेशंस, लोकेशन देखो ये नंबर जो है, नंबर आप दोगे, देखो अब तक क्या हो रहा था, जैसे हमने कहा x इक्वल टू हेलो है, मान लो आपने कहा x डॉट कैर कोड एट, अब आपने यहां पर नंबर पास किया, नंबर क्या पास किया, आपने नंबर पास कर दिया टू, अब टू पे कौन सा करेक्टर है, 0 1 2 2 पे एल है, तो एल का जो यूनिकोड होता है वो आपको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, एल का जो यूनिकोड होता है वो रिटर्न करेगा, एल का यूनिकोड क्या होता है, ASCII कोड, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनके यूनिकोड ASCII कोड सेम होते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, देखो ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखना जरा कैसे कोड होते हैं, आप कैपिटल ए से स्टार्ट करो, अगर कैपिटल ए बी सी अप टू जेड तक जाएगा तो ये कितने से स्टार्ट होता है, 65 66 अप टू कहां तक जाएगा, ये मेरे ख्याल से 90 तक जाएगा,
फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू स्मॉल जेड, कहां तक? ये 97 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा? ये 122 तक जाएगा। तो एल के लिए क्या मिलेगा ढूंढ लेना। तो अगर आपको किसी कैरेक्टर्स का क्या चाहिए, ASCII कोड चाहिए आपको, तो वो उसका ASCII कोड दे देगा। ASCII कोड का क्या यूज होता है? ASCII कोड के बेसिस पे हम लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि कैरेक्टर्स अपर केस का है लोअर केस का है, तो कैसे पता करोगे? आप क्या करोगे, आपसे पूछा जाए कि हेलो में जो पहला एच कैरेक्टर है वो अपर केस है लोअर केस है, तो एच कैरेक्टर ले लिया, एच पहले कैरेक्टर का आपने क्या किया, कोड निकाल लिया। कोड मान लो क्या आया, कोड मान लो 66 आ गया, तो 66 65 और 90 के बीच का है, इसका मतलब कि वो कैरेक्टर क्या है, अपर केस है। और 97 122 के बीच का है, तो इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर क्या है, लोअर केस है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप इससे पढ़ सकते हो। तो खैर समझ में आ गया होगा, कोड कैर कोड एट कितने हो गए, 5 हो गए। कल मैं सारे एक एक को खड़े करके पूछूंगा, याद करके आना घर में जा करके, ठीक है? जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना मेहनत से, तो आपको पूछूंगा और सारे लाइन से सुनाना मुझे। कैर कोड एड लिख दिया। अब देखो जरा, फिर हमने कहा डॉट लगाते हैं, फिर देखो कॉनकैट, कॉनकैट एक मेथड है, इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा मेथड है, वैसे तो प्लस लगा के हम काम कर लेते हैं। देखो क्या दे रहा है, अब इसका सिग्नेचर समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से, कॉनकैट ये कौन है, रिटर्न ए स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द कॉन्कैटनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स। और देखो आर्गुमेंट्स में ये डॉट 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 लगा है, पता नहीं क्या, आपको पता नहीं है छोड़ दो, डॉट 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 लगा है। ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है, जो आगे चल के मैं ऐसे ऑपरेटर से पढ़ाऊंगा, यूज करना सिखाऊंगा। रिटर्न टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग है। काम कैसे करता है देखो जरा ध्यान से, काम कैसे करता है देखना ध्यान से, कॉनकैट मेथड कैसे काम करेगा देखना है ध्यान से। हमने क्या कहा, रिटर्न द स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द कॉनकैटनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स, टू और मोर स्ट्रिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा क्या ये एक्सपेक्ट कॉल होगा, डायरेक्ट कॉल होगा यार, चलो वेर, देखो ऐसे मेथड्स क्या है, ऐसे मेथड इसके साथ ये स्टैटिक लिखा हुआ है क्या, देख लूं मैं जरा, सही से डेफिनेशन दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा क्या, नहीं नहीं दो स्ट्रिंग को कॉनकैटनेट करेगा, मैंने कहा क्या स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट नहीं आ रहा है, एक्स के अंदर हेलो था ना, एक्स डॉट कॉनकैट, और मैंने कहा क्या, हाय दे दिया, हाय लिख दिया, जरा देखो क्या किया, हाय लिख दिया मैं, तो पहला स्ट्रिंग हेलो था और दूसरा क्या हो गया, हाय हो गया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कॉनकैट कैसे काम करा, ध्यान से देखना, यही देखना था मेरे पास। मैंने कहा वेर एक्स इक्वल्स टू क्या है, पहले से मैंने हेलो लिख रखा है, एक्स के अंदर हेलो है, अब मैंने कहा एक्स डॉट कॉनकैट यूज किया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, पहली स्ट्रिंग पास कर दी क्या, हाय पास कर दिया, कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग और भी पास कर सकते हो क्या, ए बी सी पास कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो आपको रिटर्न देगा वेर ए के अंदर कुछ आएगा, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, देखो पहली, तो पहली वाली स्ट्रिंग क्या है, हेलो है, फिर क्या आ जाएगा, हाय आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा,
ए बी सी, ये पूरी स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन के साथ आ जाएगी। तो अगर आपको एक स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग जोड़ते जोड़ते जाना है तो कॉन्केट लिखो, उसके साथ आर्गुमेंट में क्या कर दो, वो सारे स्ट्रिंग पास कर दो वन बाय वन। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है, आप काम कर सकते हो। थोड़ा तेज आगे बढ़ते हैं। कॉन्केट समझ में आ गया सभी को? जिसको नहीं समझे थोड़ा घर पे जाकर कर वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन लेगा, समझ में आएगा। कॉन्केट एंड्स विथ, एंड्स विथ क्या है देखो जरा ध्यान समझो, एंड्स विथ भी चेक करता है। एंड्स विथ मीन जिसके एंड में, देखो ये सर्च करेगा कैरेक्टर्स को, देखेगा कि ये उसके एंड में है या नहीं है। एंड्स विथ और स्टार्ट विथ दो मेथड्स हैं, देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा क्या, हेलो लिखा, दोबारा लिखता हूं, वेयर एक्स इक्वल्स टू हेलो लिखा और मैंने कहा एक्स डॉट एंड्स, एंड विथ था, एंड्स विथ था, एंड्स विथ था, एस लगा हुआ ना, एंड्स विथ है। और इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने कहा एल ओ दे दिया और यहां पर हमने कहा वेयर बी इक्वल्स टू, इसका रिटर्न टाइप बुलियन आएगा। एंड्स विथ चेक करेगा क्या कि जो स्ट्रिंग है एक्स के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में एलओ आ रहा है नहीं आ रहा है, लास्ट में एलओ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, एलओ आएगा, ये बी में क्या रिटर्न देगा, ट्रू रिटर्न देगा, लास्ट में है। अगर हमने कहा क्या एल ओ ओ दे दिया तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं फॉल्स रिटर्न करेगा, तो लास्ट में चेक करेगा। जैसे एंड्स विथ है वैसे ही एक्स डॉट स्टार्ट विथ है, हमने कहा एच एच ई दे दिया तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ये इसके अंदर क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो स्टार्ट विथ एंड्स विथ आसान सा मेथड है, आप यूज कर सकते हो। आप कहोगे कब ये कर सकते हो, जैसे मान लो किसी का नेम है, आपको देखना है कि सभी के नेम में लास्ट में एस आई एन जी एस सिंह आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको अलग कैटेगराइज करना है। तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रिंग लोगे उस पे एंड्स विद और उसमें क्या पास कर दोगे, सिंग पास कर दोगे, अगर सिंग आ रहा है तो उसको अलग कैटेगरी में रख लो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिसपे आप काम कर सकते हो। जैसे एक आपके पास ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें कंपनी का नाम लास्ट में लिखा हुआ है, तो आपको सैमसंग कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स अलग करने हैं, तो क्या करोगे, एक एक लोगे और एंड्स विथ में क्या करोगे, सैमसंग डाल चेक कर लोगे, सैमसंग आया हुआ है, जिसमें सैमसंग आया हुआ है उसको मान लोगे कि सैमसंग का है, जिसमें नहीं है उसको नहीं मान। तो ऐसे एग्जैक्ट एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने आएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट विथ एंड्स विथ क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक्स डॉट कौन कौन सा पढ़ लिया देखते रहो, एंड्स विथ इंक्लूड्स मैंने सिखा दिया आपको, इंडेक्स ऑफ सिखा दिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ सिखा दिया, लेंथ, लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड, ये बताता है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं कहूँ क्या, मैं कहूंगा लेंथ को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर टोटल क्या है देखो जरा ध्यान से, इसका यूज मैं बताता हूँ। हमने कहा एक्स के अंदर, मैंने कहा वेयर एल इक्वल्स टू एक्स डॉट, आपको डायरेक्ट लेंथ लिखना है, मेथड नहीं लिखना है, डायरेक्ट लेंथ लिखना है, तो x डॉट लेंथ, तो l में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका बड़ा फायदा है, इसका एक यूज बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ो, तो कैसे पढ़ोगे, x ऑफ 0 दोगे, x ऑफ 0 दोगे तो फर्स्ट, क्योंकि सभी का पहला कैरेक्टर तो 0 पे, लास्ट पढ़ना है तो x ऑफ
अगर इंडेक्स से लास्ट वाला पढ़ना तो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, एक्स डॉट लेंथ पूरा कैरेक्टर निकालेगा और माइनस क्या कर दोगे वन कट। तो जितनी लेंथ होगी उससे एक कम करोगे तो आपको लास्ट मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखने की, फर्स्ट कैरेक्टर कहाँ मिलता है, जीरो। अगर सारे कैरेक्टर्स पढ़ने लूप लगाने आए हैं आपको तो जीरो से स्टार्ट करोगे, जितनी लेंथ है उससे एक कम तक रीड करोगे। ये बात भी प्रैक्टिकली आपको क्लियर होनी चाहिए। तो लेंथ समझ में आया, आसान से इतना टाइम नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा सा तेज पढ़ना पड़ेगा। एक्स डॉट लेंथ तक पहुंच गए, लोकल कंपेयर छोड़ दो, मैच मैच भी छोड़ दो, लिख लो ये सब छोड़ रहे हैं, मैच छोड़ रहा है, मैच ऑल छोड़ रहे हैं, नॉर्मलाइज छोड़ रहे हैं, पैड एंड की भी जरूरत नहीं है, पैड स्टार्ट की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा अपने आप पढ़ना, ये रिपीट की भी जरूरत नहीं है, रिप्लेस की जरूरत है। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस में देखो, रिप्लेस मैं दिखा देता हूं केवल और आपको अपने आप समझ लेना है। रिप्लेस का सिग्नेचर देखो क्या कह रहा है, ये रिप्लेस का सिग्नेचर देखो, ये सिग्नेचर है सर्च रिप्लेस। रिप्लेस कह रहा है क्या कि आपको क्या करना है, सर्च वैल्यू, जिसको सर्च करना है वो वैल्यू दो। पहला आर्गुमेंट क्या दोगे, जिसको सर्च करना है, दूसरा आर्गुमेंट क्या दोगे, जिससे रिप्लेस करना है। तो पहला सर्च वाला रहेगा और दूसरा रिप्लेस वाला रहेगा। तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, एक फाइल है, उस फाइल को आपने रीड किया, एक वेरिएबल में सभी के नंबर पे क्रॉस 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 लगाना है, वो तो नहीं हो पाएगा सभी के नंबर पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं होगा। किसी एक नंबर पे क्रॉस लगाना है तो क्या करोगे, वो नंबर दोगे और साथ में क्रॉस 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 लिख दोगे तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं इसी पे दिखा देता हूँ जल्दी के लिए। x के अंदर हेलो है, मैंने कहा x डॉट रिप्लेस, x डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में मैंने क्या किया, सर्च वैल्यू किसको सर्च करेगा, l को सर्च करेगा, कॉमा लगाया, l को सर्च करके हमने क्या किया, l को सर्च करके मैंने कहा k लिख दो। देखना जरा ध्यान से, तो क्या करता, एलो होता तो करके देखो, एलो होता तो क्या करता, एलो को आप बदलने को कह रहे थे, एलो को बदलेगा ना, एल को ही क्यों बदलेगा, इंडेक्स से क्या मतलब, आपने कहा कि किसको रिप्लेस करना है, एल ओ को रिप्लेस करना है, मीनिंग तो यही हो रहा ना, रिप्लेस मीन्स किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो इसका मीनिंग यही निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मेरा पहला ये एग्जांपल था इसमें एक ही एल को रिप्लेस किया, सभी एल को रिप्लेस नहीं किया, तो एक और मेथड है इसमें, रिप्लेस ऑल, तो जितने प्लेस पे एल आया होगा सभी को रिप्लेस कर, आसान सा है, यूज कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लो, रिप्लेस विल रिप्लेस ओनली फर्स्ट अकरेंस, और रिप्लेस ऑल क्या करेगा, सारे अकरेंसेस को रिप्लेस कर देगा। सही बता रहे, नेक्स्ट मूव करते हैं, रिप्लेस बता दिया, रिप्लेस ऑल बता दिया, डॉट लगाया मैंने, रिप्लेस रिप्लेस ऑल बता दिया, मैच और इसको छोड़ दिया मैंने, रिपीट को छोड़ दिया, सर्च स्लाइस स्प्लिट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइस भी इंपॉर्टेंट है और एक स्प्लिट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी बताता हूं मैं आपको। और देखो ये कुछ आसान से है, देखो ये तीनों स्लाइस पढ़ना है, स्प्लिट पढ़ना है, स्टार्ट विद मैंने पढ़ा दिया है, और सब स्ट्रिंग पढ़ना है, तीनों करीब करीब एक जैसे है, तीनों को मैं पढ़ा, स्प्लिट एक थोड़ा डिफरेंट है, स्प्लिट भी बताऊंगा मैं। अब देखो टू लोअर लोकल लोअर, लोकल लोअर तो पता नहीं कहां यूज होता है, लेकिन ये देखो टू लोअर केस, किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो टू लोअर केस यूज करोगे तो वो उसका क्या करेगा, लोअर केस वर्जन दे देगा। टू अपर केस कन्वर्ट करना है तो अपर केस में कन्वर्ट करने का टू अपर केस होगा। ठीक है, और देखो ये ट्रिम है, ट्रिम से रिलेटेड तीन मेथड है, ट्रिम से रिलेटेड तीन मेथड है, एक ट्रिम है, ट्रिम एंड है, और ट्रिम स्टार्ट है। ध्यान से समझो, जैसे कई बार क्या होता है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है कि आपने ये फॉर्म बनाया, आपने कहा आपने क्या कहा, आपने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और आपने नेम लिखने को कहा,
तो नेम लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया। कोई लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में नेम में शुरू में स्पेस एक एक दो स्पेस लग गया, और बाद में यहाँ अनिल लिख दिया, और बाद में भी एक दो स्पेस लग गया। तो देखा जाए तो यहाँ यहाँ दो स्पेस है, इसके बाद में भी दो स्पेस है। उसने नाम तो अनिल लिखा है, लेकिन शुरू में और लास्ट में बाय मिस्टेक उससे क्या लग गया, स्पेस लग गया। तो डेवलपर्स को क्या चाहिए कि जब भी ऐसा कोई डेटा यूजर इनपुट से स्टोर कर रहा है जिसमें शुरू में और लास्ट के स्पेस का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें इसको क्या करना है, जैसे मैं कहूं क्या, देखो जरा, मैंने कहा वेयर एक्स इक्वल्स टू, वेयर एक्स इक्वल्स टू हमने कहा क्या, स्पेस स्पेस को ऐसे हमने दे दिया, और यहां पर मैंने लिखा अनिल स्पेस स्पेस, और यहां पर डबल कोट्स बंद किया। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा वेयर ए इक्वल्स टू एक्स डॉट, ट्रिम किया, तो जो ये ए आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, अनिल डायरेक्ट आएगा, लेफ्ट राइट दोनों के स्पेस को हटा देगा। फिर देखो हमने कहा एक्स डॉट ट्रिम एंड को कॉल किया, तो केवल और केवल राइट हैंड साइड वाले को हटाएगा, और ट्रिम स्टार्ट किया तो केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले को हटाएगा। समझ में, ट्रिम का ये यूज है। अब हम लोग आगे चल लेते हैं, आगे तीन और मेथड जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया, ट्रिम आसान सा मेथड है, इसको यूज कर सकते हो। एक्स डॉट, मैं आपको ये समझा दूं, स्लाइस मेथड का सिग्नेचर उठा और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्लाइस मेथड है, इसको उठा लो। चलो ठीक है, रिटर्न ए सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, रिटर्न ए सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ये दिया कि एक सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं, देखो ध्यान से, स्टार्ट इंडेक्स भी ऑप्शनल है, एंड इंडेक्स भी ऑप्शनल है, दोनों ऑप्शनल है। स्लाइस करते वक्त ये क्या कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड के बेसिस पे ये स्लाइस कर रहे हैं। और देखो, स्टार्ट द इंडेक्स टू द बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, करेक्टर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग, अप टू द नॉट इंक्लूडिंग। इसका मतलब क्या है कि देखो जरा ध्यान से, हमने क्या कहा, स्टार्ट और एंड बताना है। हमने क्या कहा, हमने कहा हेलो दिया, हमने कहा वेयर इंडेक्स, आपको सही से पता होना चाहिए, इंडेक्स सही से पता होगा तो आप ठीक से काम कर पाओगे। हमने कहा एक्स डॉट स्लाइस, और हमने क्या दे दिया, वन दिया, कॉमा लगा करके थ्री दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, वन इंडेक्स से स्टार्ट करेगा ये, तो वन इंडेक्स इसका जीरो इंडेक्स है, इसका वन इंडेक्स है, इसका टू है, इसका थ्री है, और इसका फोर है। लॉजिक क्या कहता है, वन से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक, लास्ट से पहले पहले तक आएगा। तो इस ये क्या कट करेगा, वन पे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, टू पे क्या मिलेगा, एल मिलेगा, और थ्री पे, थ्री तक नहीं जाना चाहिए उसको, टू तक जाना चाहिए जैसे बात है। तो मैं देखता हूं ये क्या प्रिंट करता है। मैंने कहा क्या, एक्स डॉट क्या था, स्लाइस, और स्लाइस में हमने क्या पास कर दिया, 1, 3। चेक करो क्या दे रहा है, सही है, स्टार्ट किया हमने और एंड कर दिया, क्लियर है, स्लाइस क्लियर है। ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे आप लोग, अपने आप कॉम्बिनेशंस बना देंगे। इसके बाद देखो सबस्ट्रिंग देख लो, इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग की डेफिनेशन देखो, स्टार्ट दिया, एंड दिया, और स्ट्रिंग रिटर्न किया। सबस्ट्रिंग स्लाइस बिल्कुल एक ही जैसे, सबस्ट्रिंग रिटर्न्स द सबस्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड लोकेशंस विद इन ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। देखो इन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट वालों ने कुछ मेथड बेकार के बना दिया, स्लाइस थोड़ा अलग बनाना चाहिए था, स्लाइस पाइथन वालों ने ज्यादा अच्छा बनाया है। तो स्लाइस और सबस्ट्रिंग में मुझे लग नहीं रहा कि कोई डिफरेंस है, दोनों एक जैसे।
तो दोनों का आप यूज कर सकते हो। अब देखो सब स्ट्रिंग रिटर्न द सब स्ट्रिंग एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन विद इन ए सब स्ट्रिंग स्टार्ट द जीरो बेस्ड इंडेक्स और एंड जीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द सब स्ट्रिंग इंक्लूड्स द करेक्टर अप टू नॉट इंक्लूडिंग बाय द एंड। बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने स्लाइस यूज किया वैसा ही क्या है हमारे पास सब स्ट्रिंग है, यूज करके देखना। इंपॉर्टेंट क्या है स्प्लाइस, इसके बाद जो है एक मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज भी होगा, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा यूज होगा, उसका नाम है एक्स डॉट स्प्लिट। एक्स डॉट स्प्लिट मेथड है। अब ये जो एक्स डॉट स्प्लिट मेथड है, स्प्लिट मेथड के अंदर हम सेपरेटर पास करते हैं, सेपरेटर पास करते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना। तो एरे तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, बस आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे हमने कहा वेयर और मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग बनाया अनिल और स्पेस दिया एस आई एन जी एस सिंह अनिल सिंह। आपको इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने हैं। तो आपने क्या किया एक्स डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करोगे किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे आपने स्प्लिट कर दिया। तो जहां स्पेस है वहां स्प्लिट करके एक डेटा निकालेगा। देखो क्या करेगा, ये ऐसा डेटा निकालेगा एरे के फॉर्म में। अगला टॉपिक एरे आने वाला है तो और इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये क्या करेगा, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा, कहां तक पढ़ेगा, जब तक स्पेस नहीं आया। तो पहली बार में उसने क्या पढ़ लिया, अनिल पढ़ लिया, फिर कॉमा लगाया, अब स्पेस के बाद अगला एस आई एन जी एस से यहां तक स्टार्ट होगा, और दूसरी बार में क्या पढ़ लिया, सिंह। पहला अनिल आ गया, दूसरा क्या गया, सिंह आ गया। समझ में आ रही बात। अब देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप स्प्लिट से कर सकते हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा एरे पढ़ लोगे, लूप पढ़ोगे, तब ये क्वेश्चंस को आप करना। पहले क्वेश्चंस बता देता हूं। हमने कहा आईपी एड्रेस लिखा और ये ब्रैकेट दे दिया, यहां हमने कहा 123.100.23.78 चेक आईपी, आईपी आपको चेक करना है कि आईपी एड्रेस करेक्ट है या नहीं। अब आईपी एड्रेस का फॉर्मूला जानते हो, आईपी एड्रेस में क्या होना चाहिए, चार पार्ट में डिवाइड होना चाहिए पहली बात तो, और सबके बीच में डॉट आना चाहिए, और एक एक कितना होना चाहिए, जीरो से लेकर 255 तक क्या सारे होने चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशन इसमें, लेकिन हमें अगर किसी एक को चेक करना तो इसको चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। तो चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एक्स के अंदर है तो एक्स डॉट स्प्लिट किसके बेसिस पे करोगे, तो आपको एक एरे मिल जाएगा कैसा, 123.100.23. बात समझ में आ रही है, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है नहीं है? अब ये मिलेगा कैसे, काम करेगा, मैं जब एरे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये सारे स्ट्रिंग के मेथड आपको टिप्स पे आ जाने चाहिए। कल सभी से मैं पहले आते साथ यही पूछना स्टार्ट करूंगा, किसका नंबर आएगा वो अपना चेक कर ले। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल, पढ़ते हैं फिर। अब आप कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम को पूरा बनाने की कोशिश कर लो, करीब करीब बना सकते हो आप, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। हाउ जनरेट द रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शंस बनाए हुए हैं जिससे आप जनरेट कर सकते हैं। तो कल मैं बताता हूं फिर आपको, मैं आज का चैप्टर क्लोज कर रहा हूं, कल मैं बताता हूं फिर।